हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का चैप्टर 1 का आखिरी पार्ट देखने जा रहे हैं। हम जो है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में बात कर रहे थे। हमने इसके प्रकार को देख लिया और जो है बैलेंस कैसे करते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो है ये हमने देख लिया था। हमने अपचयन, उपचयन, विस्थापन, संयोजन, वियोजन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हमने जो है देख ली थी प्रीवियस पार्ट में। और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर देख के आएँ। और आज हम बात करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार उपचयन की अभिक्रिया होती है, यानी कि संक्षारण और विकृत गंध, इसकी बात हम करेंगे और लगाएंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात करते हैं क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है। तो बात करेंगे संक्षारण, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन, ठीक है, और ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए, इसके फलस्वरूप क्या होता है कि धातुओं का क्षय यानी कि ह्रास होता है, धातुओं की क्षरण क्रिया यानी कि इरोजन जो है, जिनमें यांत्रिक कारकों के फलस्वरूप धातुओं का ह्रास होता है और ये क्रिया भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और किस माध्यम से होती है इसकी भी मैं आपसे बात करती हूँ। देखिए, प्रत्यक्ष जो रासायनिक क्रिया होती है इनमें धातुओं का जो संक्षारण होता है ये या तो गैस की अवस्था से या जो आद्रता युक्त वातावरण होता है इससे जो है संक्षारण होता है, आप सभी भली भांति जानते होंगे। अच्छा, मैं आपको जीता जागता उदाहरण बताती हूँ। लोहा, लोहे में जब देखते होंगे आप बारिश के टाइम पे, जब लोहा लगातार भीगता रहता है तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाती है। तो ये क्या हुआ, ये संक्षारण हुआ। क्या हुआ, संक्षारण हुआ, ठीक है। तो संक्षारण की जो विद्युत रासायनिक क्रिया है धातुओं के द्रव में निमज्जित होने से, यानी कि धातु है लोहा और उसमें जो है द्रव निमज्जित हो जाता है, मिल जाता है, तो क्या होता है उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होने की उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। और इस प्रकार संक्षारण क्रिया में धातुओं के विद्युत रासायनिक क्रिया का ह्रास होता है, यानी कि कमी आती है। अब देखिए, इसमें भी वही चीज़ लिखी होती है, आप सभी आपको पता है कि लोहे की बनी चीज़ें जो हैं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उसमें लालिमा युक्त यानी कि भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और प्रायः हम इसको जो है कहते हैं लोहे पर जंग लगना, है ना। और कुछ अन्य धातु में भी ऐसा होता है, जैसे कि आपने चांदी में देखा होगा, चांदी देखिए लगातार पहनते रहिए, पायल पहन लीजिए, बिछिया पहन लीजिए, तो क्या होता है काली पड़ जाती है, पानी पड़ने लग जाता है। इसी प्रकार तांबा जो है वो हरा हो जाता है, है ना। तो जब कोई धातु जो है अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता इन सब के संपर्क में आती है ना, तो ये जो है क्या होती है, संक्षारित होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो धातु के संक्षारण की क्रिया होती है इसमें निर्मित होने वाले जो अंतिम उत्पाद है ये एक ऐसा यौगिक होता है ना जो प्रकृति में खनिज पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अब देखिए, तांबे का जो पट्ट होता है बहुत वर्षों तक आप देखिए वातावरण में या फिर खुली अवस्था में रख देने पर क्या होता है, उसके क्षारक जो है सल्फेट की एक परत जम जाती है, ठीक है। और तांबा का ये जो क्षारक है ना सल्फेट प्रकृति में पाए जाने वाले ब्रैकेटाइट जैसा होता है, ठीक है। इसी प्रकार लोहे और इस्पात के पट को जो है लवणीय जल में पूर्णतः निमज्जित रखने पर वर्षा में जो है उसमें फेरिक ऑक्साइड जो है कठोर परत जम जाती है जिससे जंग लग जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, है ना। अब प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, संक्षारण की जो क्रिया होती है, ध्यान रखेंगे, संक्षारण की जो क्रिया होती है इसमें जो है धातु से केवल बाहरी तल में परिवर्तन होता है, ध्यान रखेंगे बाहरी तल में परिवर्तन होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि धातु का जो बाह्य तल होता है इस पर संक्षारण का उत्पाद जो है एकत्रीकरण होता है और ऐसे उत्पाद का विलयन जो होता है वो धातु के तल से बहिष्कार हो जाता है। और इस प्रकार देखिए आप कि संक्षारण से धातु का अपरिवर्तित अवशेष उस समय तक विद्यमान रहता है जब तक धातु का संक्षारण 100% ना हो जाए, है ना। और देखिए, धातु के केवल बाहरी तल पर ही संक्षारण क्रिया नहीं होती बल्कि जो है धातु की समस्त संहति व्याप्त होती है। धीरे धीरे संक्षारित होते होते देखिए कि लोहा जो है वो झरने लग जाता है, टूटने लग जाता है। इसीलिए जो हम उसमें पेंट करते रहते हैं, है ना, साल दर साल पेंट करते रहते हैं, किस लिए, ये संक्षारण की जो प्रक्रिया है इसे कम करने के लिए, है ना। और ये जो संक्षारण होता है ना ये बहुत तीव्र होता है, है ना, तीव्र होता है। आगे बढ़ते हैं,
तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। आप देखिए, चांदी में काली परत और तांबे में हरी परत, ये संक्षारण के उदाहरण है। तो संक्षारण के कारण क्या क्या होता है? कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुएं, बहुत क्षति होती है इनकी। और लोहे का संक्षारण एक बहुत गंभीर समस्या है। और जब ये क्षतिग्रस्त हो जाता है ना, हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है इसमें। हर वर्ष आप पेंट करो, पेंट करके जो है उसे आप संक्षारित होने से बचा सकते हो, है ना। अब बात करते हैं विकृत गंधिता, बात करेंगे इसमें वसा युक्त यानी कि तैलीय खाद्य पदार्थ की। इसे जब लंबे समय तक रखा जाता है तो इसका स्वाद और गंध कैसा होता है? हमारी भाषा में तो भाई हम कहते हैं अरे ये देसी आ गया है, है ना, स्वाद अच्छा नहीं होता है। तो इसका क्या होता है? उपचयन। तो उपचयित होने पर तेल या फिर जो है वसा विकृत गंधी हो जाते हैं और उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। तो प्रायः तैलीय और वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ एंटीऑक्सीडाइज मिलाए जाते हैं। क्या मिलाए जाते हैं? एंटीऑक्सीडाइज, है ना, और मिलाए जाते हैं। और वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति जो है वो धीमी हो जाती है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि तेल और वसा को जो है विकृत गंधिता से बचाने के लिए क्या क्या किया जाता है, तो इसे जो है वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है और इसमें एंटीऑक्सीडाइज मटेरियल मिलाए जाते हैं। जैसे कि आप देखिए चिप्स, चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है कि चिप्स की थैली में ऐसा क्या मिलाया जाता है कि चिप्स के चिप्स का जो है उपचयन ना हो, वो स्मेल ना करे, ठीक है। तो उसमें जो है ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन का कम सक्रिय गैस जो है मिलाया जाता है। अच्छा, ये तो हुई भाई संक्षारण और ये विकृत गंध की बात। अब आइए लगाते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा है कि जब लोहे की कील नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोई जाती है तो विलयन जो है नीला रंग का हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन जो है यानी कि FeCu से अधिक अभिक्रियाशील है। ध्यान रखेंगे, आयरन जो है Cu से अधिक अभिक्रियाशील है जो कि कॉपर को विस्थापित कर देती है। ये विस्थापन अभिक्रिया होती है, है ना। जैसे देखिए Fe+CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाया हमने तो क्या बना? FeSO4+Cu, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई, रब कर देते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, क्रियाकलाप 1.10 में भिन्न जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। देखिए, उदाहरण देने का मैं प्रयास करूँ अगर आपको, तो हमने लिया लेड नाइट्रेट जिसका फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस टू एच सी एल। एरो किया मार्क्स, प्रोडक्ट क्या बना? लेड क्लोराइड यानी कि PbCl2 प्लस, और क्या प्रोडक्ट रिलीज हुआ? नाइट्रिक एसिड यानी कि TuHNO3। मुझे तो आइडिया है कि बैलेंस कैसे करना है। आप पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, इसके बाद आप बैलेंस कर लेंगे, ओके। इसे रब कर देते हैं आगे। अब हमें ये पहचान करना है कि चीज़ें उपचयित हो रही हैं कि अपचयित हो रही हैं। ये तो आई होप आप लोग बता ही लोगे, क्यों बता लोगे ना आप लोग। देखिए, पहला है 4Na+O2=2Na2O, ठीक है। तो क्या है इस अभिक्रिया में? Na जो है O में उपचयित होता है, क्यों? क्योंकि Na जो है यानी कि सोडियम का ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है और ऑक्सीजन अपचयित होने वाला पदार्थ है, और इसलिए उपचयित और अपचयित होने वाले पदार्थ क्रमशः Na और O2 हैं, ठीक है। दूसरा CuO+H2, तो एरो लगा के किया Cu+H2O, तो इसमें जो है CuO का अपचयन Cu में हो रहा है, ठीक है। और H2 का जो है उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो H2O में हो रहा है, ध्यान रखेंगे।
अब हमने क्या सीखा ये भी हम देख लेते हैं। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट उत्पाद प्रोडक्ट प्रतीकात्मक रूप उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे क्या हो, समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों ही ओर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो, और समीकरण का संतुलित होना बहुत आवश्यक है। अगला, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, वियोजन जस्टिस का उल्टा है, और जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण होता है उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। और जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन क्या होता है, इसमें दो अलग अलग परमाणु या फिर परमाणुओं के समूह आपस में आदान प्रदान होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से जो है अविलेय लवण प्राप्त होते हैं, ठीक है। और अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का योग या ह्रास होता है, ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। चलिए अब आते हैं मेन चीज में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में। देखिए नीचे दी गई है अभिक्रिया, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो हमने जो है लेड ऑक्साइड को कार्बन से अभिक्रिया कराई है तो लेड रिलीज हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड। बताना है कि कौन सा असत्य है। पहला देखते हैं, सीसा अपचयित हो रहा है, क्या हो रहा है अपचयित, नहीं ये गलत है। बी, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, नहीं भाई ये अपचयित हो रहा है ना, तो ये भी गलत है। तो और कार्बन जो है उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये दोनों सही हैं। तो गलत कौन कौन से हुए, ए और बी, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, Fe2O3 + 2Al, Al2O3 + 2Fe। अब इसकी ये कौन सी प्रक्रिया है, आप लोग सोच के बताइए कौन सी प्रक्रिया है। ये है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है दोस्तों, इसलिए आप अच्छे से देख लो, है ना। अगला क्वेश्चन, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो है जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्व होते हैं, है ना, तो विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या को बाई ओर LHS और दाई ओर RHS के बराबर करना होता है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अभिकारक जो होते हैं इनमें तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या जो होती है वो उत्पादों के तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। आवश्यक क्यों है, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, तो भाई बराबर तो रहने चाहिए ना, जितना हमने रिएक्टेंट लिया उतना प्रोडक्ट तो बनना ही चाहिए, है ना। तो परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ इक्वल होनी चाहिए, और इसी को कहते हैं द्रव्यमान के संरक्षण के नियम। तो ये जो है द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। आइए पहला देखते हैं। तो पहला है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, तो N2 किससे संयोग करना है, हाइड्रोजन से, H2 एरो क्या बनता है, NH3। अब भाई हाइड्रोजन के दो अणु हैं, यहाँ तीन अणु हो गए, अब बैलेंस करना है यहाँ पे, तो हमने जो है 3H2 यहाँ कर लिया, ठीक है, और 2NH3 यहाँ कर लिया। अब देखिए ये बैलेंस हो गया है ना, इसी प्रकार आप लोगों को बैलेंस करना है। अगला है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या हुआ, H2S, ठीक है, किससे अभिक्रिया करना है, ऑक्सीजन से, O2 एरो क्या बनेगा प्रोडक्ट, पहला तो वाटर बनेगा, ठीक है, H2O प्लस और क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब करना है बैलेंस, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया 2, ठीक है, और बैलेंस करिए, देखिए हाँ
तीन, और क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे हमने कर दिया 2H2O, सल्फर डाइऑक्साइड में भी लगेगा 2, बैलेंस हो गया। अगला, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवशेप देता है। तो क्या करना है, पहले एल्यूमिनियम सल्फेट लिखें, तो फॉर्मूला क्या होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, प्लस क्या लिया, बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2, एरो मार्क्स लगाया, प्रोडक्ट क्या बना, AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4, बैलेंस करिए जल्दी जल्दी, 3 AlCl3 में क्या लगेगा 2, और बेरियम क्लोराइड में ऊपर जो है हम लगा देंगे 3, तो बैलेंस हो गया, चेक करिए जल्दी जल्दी चेक करिए, हाँ बैलेंस। अगला, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है, तो इससे भी अभिक्रिया करते हैं, पोटेशियम लिया हमने, वाटर लिया, एरो मार्क्स लगाया, क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो बैलेंस करिए इसे 2K और 2H2O, है ना, ये बैलेंस हो गया, सॉरी यहाँ पे भी तो 2 होगा ना, यहाँ पे 2K है तो यहाँ भी होगा, है ना, चल आगे। अब यहाँ पे है इनको संतुलित करना है, बहुत जल्दी हो जाएगा, रैपिडली हम इसी में कर देंगे हम जल्दी से संतुलित, है ना, तो पहला है HNO3 प्लस COH का होल ट्वाइस, एरो CNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, तो बैलेंस करिए, तो क्या करेंगे इसमें 2HNO3, ध्यान रखेंगे मेरी आवाज़ पे भी ध्यान देंगे आप, है ना, इसमें कुछ नहीं लगाना है, इसमें भी कुछ नहीं लगाना है, वाटर में 2 लगा देना है, ये हो गया बैलेंस, ठीक, NaOH में 2 लगाना है आगे, ठीक है, फिर लगाना है हमें यहाँ वाटर में 2, सी नंबर देखेंगे, तो इसमें जो है हमें कहीं भी कुछ नहीं लगाना है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगला है डी, BaCl2 प्लस H2SO4, एरो BaSO4 प्लस 2HCl, ध्यान रखेंगे 2HCl, ठीक है। अगला, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, चलिए लिखते हैं भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप सभी को पता है CO2, एरो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है CaCO3 प्लस H2O, ओके, रब करूँ, आप पॉज करके लिख लेना। बी नंबर है जिंक का फॉर्मूला Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, एरो क्या बना, ZnNO3 का होल ट्वाइस, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, तो यहाँ पे Ag का 2 कर लिया हमने, और यहाँ भी हमने 2 कर लिया, ठीक है। आगे, एल्यूमिनियम, तो हमने लिख लिया 2Al प्लस कॉपर क्लोराइड लिया हमने 3CuCl2, ठीक है, प्रोडक्ट क्या बना, 2AlCl3 प्लस 3Cu, ठीक है। अगला है बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2 प्लस K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, एरो मार्क्स लगाया, क्या बना, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl, बैलेंस करें,
टू, हो गया बैलेंस, ठीक है। आगे निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। चलिए भाई ये भी बताते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड पहला देखते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या हुआ, KBr, मैं बैलेंस करके लिख रही हूँ, ठीक है, प्लस बेरियम आयोडाइड, तो प्लस Ba2, बेरियम आयोडाइड, तो क्या बना, प्रोडक्ट Ke प्लस BaBr2, BaBr2, और ये कौन सी अभिक्रिया है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ध्यान रखेंगे द्विविस्थापन, ठीक है। आगे अगला बी नंबर देखते हैं, जिंक कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट है ना, ZnCO3, एरो मार्क्स लगाना है, तो बनेगा जिंक ऑक्साइड, क्या बनेगा, ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये है वियोजन, क्या है, वियोजन, संयोजन थोड़ी ना है, एक से दो प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि AB = A + B बन रहा है ना। अगला हाइड्रोजन H2 + Cl2 + HCl, ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, आप सभी को पता है A + B = AB, ये क्या है, संयोजन, ठीक है, तो ये संयोजन की अभिक्रिया हो गई। अगला है मैग्नीशियम Mg + HCl, MgCl2 + H2, बैलेंस करते हैं, तो हमने लिया यहाँ 2HCl कर लिया हमने, ठीक है, बैलेंस हो गया, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ये विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अब जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, हमेशा एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है ऊष्मा शेपी क्या होते हैं, ऊष्मा शोषी क्या होते हैं, तो इनका हम अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला समझते हैं ऊष्मा शेपी, देखिए जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ऊष्मा शेपी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। जैसे देखिए हम एक अभिक्रिया करा के देखते हैं, हमने लिया कार्बन, ऑक्सीजन जलाया उसे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या रिलीज हुई, ऊर्जा, ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वहीं पे क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँ, तो हम लेते हैं CaCO3, इसमें जो है हम ऊष्मा मिलाएं तो क्या बना, CaO + CO2, ठीक है, इसमें जो है ऊर्जा का ह्रास हुआ है। आगे बढ़ते श्वसन को ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। देखिए आप सभी को पता है कि श्वसन को जो है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया दो कारणों से हम कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, और इस अभिक्रिया में ऊर्जा भी निर्मुक्त होती है। जैसे कि आप फॉर्मूले से आप देखिए C6H12O6 + 6O2, तो क्या बना, 6CO2 + 6H2O + एनर्जी रिलीज हुई, है ना। आगे वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है और इस अभिक्रियाओं के लिए समीकरण बताइए। देखिए
आप सभी को मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि वियोजन अभिक्रिया में कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में विघटित होता है, और संयोजन में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ संयुक्त होकर नया पदार्थ बनाते हैं, है ना। और अगर हम फॉर्मूला देखने का प्रयास करें तो पहले हम देख लेते हैं संयोजन का, H2 + O2 = 2H2O। एक और मैं लिख देती हूँ, आप लोग पहचानने का प्रयास करना, FeSO4। ठीक है, FeSO4 ऊष्मा दी हमने इसे, तो क्या बना, Fe2O3 + SO2 + SO3। तो ये वाला तो जो है वियोजन हो गया, और ये वाला हो गया संयोजन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा प्रकाश विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। आइए इसको भी देख लेते हैं। ऊष्मा के द्वारा वियोजन हम सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, ऊष्मा NO3 का होल ट्वाइस एरो तापन दिया हमने इसमें, ऊष्मा दी यानी कि, तो बना 2PbO + 4NO2 + O2। ठीक है, यहाँ बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, तो ये हमने जो है ऊष्मा प्रदान की। अब प्रकाश के द्वारा वियोजन देखिए, प्रकाश के द्वारा वियोजन हमने लिया AgBr, क्या लिया AgBr, एरो मार्क्स लगाया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बना 2Ag + Br2। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, हम बस अब क्वेश्चन लगा रहे हैं। अब जो है विद्युत की प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या लिया हमने, वाटर 2H2O, एरो विद्युत के लिए हमने, ठीक है, तो क्या बना 2H2, ये बनेगा एनोड पे और O2 बनेगा कैथोड पे, ध्यान रखेंगे। अगला, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। देखिए, विस्थापन की अभिक्रिया क्या होती है, जब अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक में विस्थापित कर देता है, तो ये हो गई विस्थापन। और द्विविस्थापन क्या हुआ, इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, उसे HCl के साथ मिलाया था, तो NaCl और H2O बना था, है ना। अगला क्वेश्चन, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, और इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो बिल्कुल लिखते हैं, हमने लिया कॉपर, ठीक है, प्लस जो है सिल्वर नाइट्रेट लिया 2AgNO3। ठीक है, तो क्या बना, कॉपर नाइट्रेट बना CuNO3 का होल ट्वाइस + 2Ag रिलीज हुआ, तो ये हो गई अभिक्रिया। 15वां क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, और उदाहरण देके समझाइए। देखिए, अवक्षेपण क्या होता है, ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अविलेय लवण बनता है, ध्यान रखेंगे, जिसमें अविलेय लवण बनता है जो कि विलयन से पृथक हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है, है ना। अगर हम अभिक्रिया की बात करें तो हमने लिया AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट लिया प्लस सोडियम क्लोराइड लिया, क्या बना प्रोडक्ट AgCl, सिल्वर क्लोराइड बना AgCl प्लस NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट बना NaNO3। तो ये जो है अवक्षेपण की क्रिया है। 16वां क्वेश्चन, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या करिए, उपचयन अपचयन, ये तो हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके थे प्रीवियस पार्ट में, लेकिन एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। उपचयन क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का बढ़ना और सॉरी हाइड्रोजन का बढ़ना ऑक्सीजन का घटना जो है क्या होता है, अपचयन। मैं उदाहरण बता चुकी हूँ आपको। आगे 17वां,
एक भूरे रंग के चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस एक्स एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। आई होप ये आपको पता होगा। ये चमकदार तत्व कॉपर धातु है, इसे वायु की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो ये जो है उपचयित होकर काले रंग में जो है बदल जाता है। जैसे कि मैं आपको अगर थोड़ा सा अभिक्रिया करा के दिखाऊं, तो हमने लिया कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बना, 2CuO, तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा जो कि काले रंग का होगा। अगला क्वेश्चन, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? आप सभी को पता बताया मैंने अभी कि संक्षारण की प्रक्रिया को रोकने के लिए। तो लोहे की वस्तु हवा और आर्द्रता के संपर्क में आकर क्या होती है, संक्षारित हो जाती है। तो हम पेंट करके लोहे की सतह में हवा या नमी आर्द्रता के संपर्क में ना आए, इसलिए हम उसमें पेंट करते हैं, और ताकि उससे क्षतिग्रस्त ना हो। अगला क्वेश्चन 19वां, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? अभी हमने देखा कि तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों का गंध और स्वाद उपचयित होने के कारण बदल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज है कि तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों का स्वाद जो है क्यों बदल जाता है, तो उपचयन के कारण बदल जाता है और प्रभावित ना हो इसलिए नाइट्रोजन को जो है नाइट्रोजन मिलाते हैं। नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेशन है, ठीक है, प्रति जो है ऑक्सीकारक है और इन पदार्थों को उपचयित होने से बचाता है। ध्यान रखेंगे, जैसे चिप्स खराब नहीं होते चिप्स में मिलाया जाता है, तो है ना। अगला, निम्न पदों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक के एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण और विकृत गंध आज ही हमने पढ़ा है, हम तुरंत बता लेंगे। जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता और अम्ल के साथ संपर्क करती है तो उसके सतहों पर एक परत चढ़ जाती है और इस प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण, ठीक है। लोहे का संक्षारण होता है, आप सभी को पता है कि इसे जंग लगना कहते हैं। सिल्वर में जो है धातु, चांदी जो हम पहनते हैं, आप देखते होंगे कि उसमें काली परत हो जाती है, फिर क्या करती हैं मम्मी लोग, उसको जो है गर्म पानी में उबालती हैं, उसमें जो है सर्फ डाल के, तो वो फिर से अपने आप जो है सही हो जाता है, है ना। विकृत गंधिता क्या होती है? तेल या फिर वसा युक्त खाद्य पदार्थ हवा के संपर्क में आने से उपचयित हो जाते हैं, ठीक है, और इस कारण इनका स्वाद और गंध बदल जाता है। तो विकृति गंधिता को रोकने के उपाय क्या है? नाइट्रोजन प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर या फिर जो है वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखकर। अगर हम उदाहरण देखें इसका, तो चिप्स की थैली लंबे समय के बाद उपचयित होकर विकृत गंध हो जाती है और मक्खन को कमरे के तापमान पर लंबे समय तक रखने पर इसका स्वाद खट्टा हो जाता है। तो इसलिए जो है इसे बचाने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है कम मात्रा में या फिर वायुरोधी बर्तनों में इसे रखा जाता है। तो आई होप जो है ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा ये वीडियो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइस, मेरी आपसे सिर्फ और सिर्फ एक विनती रहती है कि आप अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस देख के ऐसे ही मत चले जाया करिए, क्योंकि ये चैनल जो है आपको बहुत बेनिफिट प्रदान करेगा और ये बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए। बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, PET का भी देखिए नोटिफिकेशन आ गया है, TGT PGT तो आ ही गया है, और PCS में भी सीधे क्रियाकलाप या फिर जो है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं NCERT पे फोकस, तो आपको NCERT पढ़ना पड़ेगा। और जो है आप लगातार पढ़ते रहिए और मैं तो हूँ ही आपके साथ। तो जो भी आपके डाउट हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन करिए, मैं उसका ज़रूर सॉल्यूशन दूंगी। थैंक यू वेरी मच।